काटू जो खड़े हैं, वोट काटू बीजेपी की सरकार, ये खेल है। अभय सिंह चौटाला को इस बात का तो दर्द नहीं है कि बीजेपी की सरकार क्यों बनी दोबारा, उनको इस बात का दर्द है कि दुष्यंत चौटाला की कैसे सीट आ गई, वो पहले कैसे पहुंच गया, ना तो तैयारी उनने भी कर रखी थी। खेल है अभय सिंह चौटाला का खेल, दुष्यंत चौटाला का खेल, ये वोट काटू जो खड़े हमारे प्रदेश का, इन तानाशाही ताकतों को सत्ता से बाहर करने का। आपको याद होगा पिछली बार भी लोगों ने मन बना लिया था इनको सत्ता से बाहर करने का, 40 सीट आई बीजेपी की, 75 पार का नारा था, हवा निकल गई थी, केवल 40 सीट आई थी कि नहीं आई थी 40 सीट। लेकिन क्या हुआ, दोबारा सरकार क्यों बनी? दोबारा सरकार इसलिए बनी, क्यों बनी? दुष्यंत चौटाला 10 MLA लेके पहुंच गए और INLD निर्दलीय गोपाल कांडा ऐसी जो एक एक एमएलए की पार्टी थी और निर्दलीय थे, उन्होंने जाकर सरकार बना दी। आज भी ये तानाशाही ताकत जो दिल्ली में बैठी है, ये तानाशाही ताकतों की नजर हरियाणा की सियासत पे है, जिन तानाशाही ताकतों ने महाराष्ट्र जैसी बड़ी बड़ी सरकारों को डिस्टर्ब करने का काम किया। आज भी इनके मंत्री जो लोहारू से लड़ रहे हैं, उनका बयान आया कि चाहे जनता कोई फैसला कर ले, हमारे कुछ ऐसे खेल हैं जिसकी वजह से उस फैसले को जनभावना की पीठ में छुरा घोंपते हुए हम सरकार बनाएंगे। और वो क्या खेल है, वो खेल मैं बता देता हूं खुल के, वो खेल है अभय सिंह चौटाला का खेल, दुष्यंत चौटाला का खेल, ये वोट काटू जो खड़े हैं, वोट काटू बीजेपी की सरकार, ये खेल है। ये वोट काटू जो खड़े हैं, बीजेपी की सरकार को दोबारा बनाने की ताक में जो खड़े हैं, कैसे करके, जैसे पिछली बार अभय सिंह चौटाला को इस बात का तो दर्द नहीं है कि बीजेपी की सरकार क्यों बनी दोबारा, उनको इस बात का दर्द है कि दुष्यंत चौटाला की कैसे सीट आ गई, वो पहले कैसे पहुंच गया, ना तो तैयारी उनने भी कर रखी थी, एक सीट फालतू इनकी आती तो ये पहले पहुंच जाते। और आज मिलकर लड़ रहे हैं सिरसा में चुनाव, लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे, मिलकर चुनाव खुले तौर पर मिलकर लड़ रहे हैं गोपाल कांडा, अभय सिंह चौटाला और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं, जनभावना की पीठ में छुरा घोपने की तैयारी कर रहे हैं। आपको याद होगा सिरसा की रैली में मैंने कह दिया था, कि दुष्यंत चौटाला से समझौता तो होने का समझौता हो गया, चुनाव में इनको अलग उतारेंगे और अभय चौटाला को अलग उतारेंगे, और वही काम आपके सामने हो रहा है। अपनी आंखों पे धूल, आपकी आंखों पे धूल झोंकने की कोशिश हो रही है। आज हरियाणा ने जन मन बना लिया, हरियाणा के लोगों ने जन मन बना लिया है, फाइनल में आप पहुंच गए हो, लेकिन फाइनल में वैसी चीटिंग मत होने देना जैसी 2019 की रात को लोकसभा चुनाव में जो मेरे साथ हुई, या जैसी विनेश फोगाट के साथ फाइनल में आप पहुंच गए हो, मगर ये बीजेपी वाले साजिश रचते हैं, जैसे मेरे साथ रचा गया, जैसे हमारी बहनों के साथ रचा गया, ये साजिश आपके साथ भी रचना चाहते हैं। ये जो वोट काटू हैं खुली चुनौती में दे रहा हूं। मैंने एक चुनौती दी थी कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी की जमानत नहीं बचेगी, इन्होंने इतना विश्वासघात किया, आज आप कहो तो मैं एक और चुनौती दे दूं, ये वोट काटू जो ये पार्टियां, चाहे वो अभय चौटाला है चाहे दुष्यंत चौटाला है, हरियाणा की जनता इस बार बीजेपी के साथ इनको भी साफ करने का काम करेगी। तो भाई ये समझदारी से नहीं तो मैं आपको एक बात आप सबको बता रहा हूं, अगर इस बार हो गया किसी को कोई वहम नहीं रहना चाहिए, ये अगर धोखा इस बार हो गया, इतिहास आपको हमको माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये जो तो भाई ये मौका चुकोगे तो नहीं परवाह वालों, बताओ भाई एक किसी के धोखे में तो नहीं आओगे परवाह वालों, एक एक वोट जो राम निवास घोड़ेला जी को जाएगी, वही एक एक वोट आपके भाई दीपेंद्र को बनाएगी, ये मैं आज कह के जा रहा हूं। आज भाई ये मेरा संदेश पूरे भरवा में सबके पास संदेश पहुंचा देना, ये राम निवास घोड़ेला जी नहीं लड़ रहे, ये दीपेंद्र के भाई लड़ रहे हैं यहां से चुनाव, ये पहुंचा देना संदेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बताओ 10 साल की बीजेपी की सरकार से छिक लिए कसर बाकी रह रही है, इनका लाइसेंस
रिन्यू करोगे कैंसिल करोगे? चलो अच्छी बात है, मैंने कहा कि एक बार चेक करके देखूं कि क्या पता कोई अभी इस चक्कर में हो कि भाई 5 साल और देख लें भाई, क्योंकि काम किया ना हो, एक विकास का काम बता दो बरवाड़ा में जो इन्होंने किया हो, एक विकास का काम बता दो हिसार में जो इन्होंने किया हो, एक हिसार का, हिसार में ये जो एयरपोर्ट हमारे समय की मंजूरी का वाला एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में फ्लाइट तो अभी तक उतरी नहीं, मगर फ्लाइट तो अभी तक उतरी नहीं, लेकिन एयरपोर्ट के आसपास की सारी जो जमीन है मिलके लूट के खा गए। कौन कौन खा गए मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपने देखा होगा जब रिपोर्ट